नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। कोरोना वायरस की महामारी के चलते बाबा चमलियाल जी का वार्षिक मेला होने का कोई आसान नहीं। जम्मू से निखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट, देखते रहिए इंडिया क्राइम न्यूज 24। बिल्लू चौधरी है, मैं इस कमेटी का चेयरमैन हूँ और गांव का पंच भी हूँ। ये जो बाबा चमलियाल जी का मेला हर साल लगता था और हो सकता है इस दफ़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत होगी हमें, वो मेला ना हो सके। वो लॉकडाउन लगा हुआ है, हम गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट जो आदेश देगी हम उसके साथ। और यहाँ पे जैसे ही लॉकडाउन लगा था तब का ही यहाँ पे बाबा जी के दरबार में कभी पहले लॉक नहीं लगा था, लेकिन लॉक लगा हुआ है। गवर्नमेंट ने हमें बोला था, तहसीलदार साहब ने, और लॉक लगा हुआ है। जब बोलेंगे अंदर खाली पुजारी जाता है, वही पूरी पूजा कर, हम भी अंदर माथा टेकने नहीं जाते, हम बाहर से माथा टेकते हैं। और हमारे गाँव की जो परंपरा है, बाबा के चादर चढ़ाएं, चाहे एक आदमी चढ़ाएगा, चाहे दो आदमी, चाहे चार आदमी है, वो चादर यहाँ बाबा की 24 जून को हम चढ़ाएंगे। जो परंपरा हमारे गांव की है वो हम तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पहला चांस है। हम 65 पे यहाँ आ रखे हैं, ये पहला चांस है ऐसा, लेकिन देश के साथ हम, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का हुक्म होगा हम उसके मुताबिक है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सांबा डिस्ट्रिक्ट की है उसके मुताबिक है, जो कहेंगे हम उसके मुताबिक। मेरा नाम आशा कुमारी है, मैं पंचायत शनि फतवाल की सरपंच हूँ। यहाँ हमारा जो हर साल मेला होता है वो बहुत ही धूमधाम से होता है, लेकिन इस जो लॉकडाउन की वजह से ये मेला शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन हम जो जिस डेट पे यहाँ पे 24 जून को मेला होगा, हम अपनी तरफ से यहाँ पे बाबा जी के चादर चढ़ाएंगे और अपनी तरफ से ही करेंगे। कोई मतलब कि जिला प्रशासन की तरफ से तो होगा नहीं कुछ भी, लेकिन हम अपनी तरफ से ही करेंगे।